नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के होंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास सेवेंथ का चैप्टर है साइंस का तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपको बताना है जो हमारे पास कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कई सारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिस दिए गए हैं पूछा गया इनमें से कौन सा प्रोसेस फिजिकल चेंज का है और कौन सा प्रोसेस केमिकल चेंज का है तो पहला फोटोसिंथेसिस दिया गया है तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि उसको रिवर्स नहीं कर सकते इसलिए फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज कहेंगे मतलब ऐसा चेंज जिसको रिवर्स कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज और जिसको रिवर्स नहीं कर सकते दैट चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में हो जाएगा केमिकल चेंज डिजोल्विंग शुगर इन वॉल तो शुगर शुगर को वाटर में डिजोल्व किया गया है तो ये फिजिकल चेंज में आएगा दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज बर्निंग ऑफ कोल कभी भी आपको बर्निंग किसी सब्सटेंस की दी रहे तो आपको याद रखना है कि दैट विल बी अ केमिकल चेंज वो केमिकल चेंज हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स जब वैक्स मेल्ट होती है तो क्या होता है उसका सॉलिड जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें लिक्विड स्टेट में जब स्टेट चेंज होता है तो उसको हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलते दैट इज रिजल्ट एज अ फिजिकल चेंज तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स क्या हो जाएगा इट विल बी अ फिजिकल चेंज ये केमिकल चेंज नहीं होगा बच्चे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है और मेल्टिंग का ऐसा चेंज है फिजिकल चेंज है क्योंकि इसको हम लोग रेन करते हैं ठीक है ठेके? पुरानी स्टेट को नेक्स्ट में दिया गया है बीटिंग वेयर टू मेक एलमियम तो यहाँ पे देखिए ये भी एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो ये भी क्या है एक फिजिकल चेंज है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ई पार्ट जो है दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज डाइजेशन ऑफ फूड की बात करते हैं तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है दैट इज़ एन एक्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमको बताना था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रॉपर्टीज सच एज डैश ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप शेप एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा साइज भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी कलर विल ऑल्सो कम इन फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज स्टेट ऑल्सो कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है इस कहा गया है चेंज अडैश चेंज इज जनरली रिवर्सिबल कौन सा चेंज रिवर्सिबल होता है इन सच अ चेंज न्यू नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो देखिये दोनों चीज दोनों जो प्रॉपर्टीज दी गई किसकी हैं तो दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉल्विंग इज अ फिजिकल चेंज आपको पूछा गया है कौन सा फिजिकल चेंज है तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन दिस इज अ केमिकल चेंज कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम की अगर कंबशन कराए जाएंगे कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एक नया सब्सटेंस बन रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या

में इन्वॉल्व तो क्या इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंज तो चेंज इन कलर बिल्कुल सही है कलर में चेंज होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर गैस इवॉल्व होती है एनी और ऑल ऑफ एबव तो सभी हमारे जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं इसके सही हैं ठीक है तो कोई भी अगर पार्ट है वो भी सही होगा सारे पार्ट भी सही होंगे तो ऑल ऑफ एबव या एनी ऑफ द एबव दोनों ही आंसर क्या है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें कहा गया है इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम तो अगर आपको आयरन है आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं लोह कहते हैं ठीक है, है तो अगर आयरन को आप लोग ने बाहर रख दिया ओपन में रख दिया इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ तो कैसी फिल्म किस कलर की फिल्म वो एक्वायर कर लेता है आपको ये बताना है और उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है रस्ट कहा जाता है जंग कहा जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहता है दिस प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग तो जो फिल्म आती है दैट इज़ अ फिल्म ऑफ आयरन ऑक्साइड और उसको कहते क्या है वो किस कलर की होती है तो ब्राउन कलर की होती है और उसको कहते हैं रस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है उससे पहले हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन का भी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो देख लेते हैं मैग्नीशियम क्या होता है तो देखिए मैग्नीशियम अभी हम लोग ने बात करी थी मैग्नीशियम जो रिबन होती है मैग्नीशियम है सबसे पहले उसको क्या किया जाता है क्लीन किया जाता है क्लीन करने के लिए हम लोग सैंड पेपर ले सकते हैं जिससे उसका जो सरफेस होगा उसको रब करेंगे और मैग्नीशियम क्लीन हो जाएगी क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिल्म लगी हुई होती है पहले से तो देखिए होगा क्या जब इसको हम लोग थोड़ा सा कैंडल फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो ये व्हाइट कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है ठीक है तो ये व्हाइट कलर की फ्लेम्स क्या है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ठीक है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेगी कि ब्रिलियंट वाइट लाइट या वाइट कलर के फ्लेम्स दिखाई देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें कहा गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एम ये इसकी रिएक्शन किससे करी जाए किस सब्सटेंस से करी जाए इन चारों में से कि क्या बन जाए फॉर्मेशन हो जाए एम जी ओ एच होल्डस का दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसका फॉर्मेशन कब होगा जब मैग्नीशियम की रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे एच टू से कर देंगे तो अगर वाटर से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट में देखते हैं क्या कहा गया है तो क्वेश्चन एट में कहा गया है डैश इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लू विट्रॉल तो ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल कहते हैं कॉपर सल्फेट को तो आपको याद रखना है कि ब्लू ब्लिट्रॉल कॉपर सल्फेट को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा होता है ब्लू कलर का होता है आयरन सल्फेट की बात की जाएगी तो इसको ग्रीन विट्रॉल कहते हैं ग्रीन का मतलब ग्रीन मतलब हरे कलर का होता है ग्रीन विट्रॉल इसलिए आयरन सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहेंगे और कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रॉल कहेंगे तो एट्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद वि वेन मिल्क चेंजेस इन टू कर्ड तो अगर मिल्क आपको पता है दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो पूछा गया देखिए चार आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको इन चार स्टेटमेंट से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इट्स स्टेट इज चेंज लिक्विड टू सेमी सॉलिड तो आपको पता है मिल्क का स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है कर्ड का स्टेट सेमी सॉलिड होता है तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चेंजेस इन कलर तो कलर में कोई चेंज नहीं होता तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा चेंजेस टेस्ट बिल्कुल सही है दूध का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है कर्ड का टेस्ट जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है थोड़ा सा इसके बाद तो ये हो गया फोर्थ में कहा गया है द द चेंजेस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बिल्कुल सही है ठीक है तो जो कर्ड होता है उसको वापस हम लोग मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है थर्ड वाला ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर टेन है इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉल स्टेटमेंट इज ध्यान देनी होती है, कि में बोला गया है या इनकरेक्ट बोला गया है क्योंकि बच्चे इस चीज़ को देखते नहीं हैं बच्चे सीधे पढ़ते है और गलतियां हो जाती है जब वो लोग टिक करते हैं तो यह देख लेते हैं

एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है अब एक्जो क्या होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज एक्जो रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है तो जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात करी गई है वो दोनों तरीके की हो सकती है इट मे बी एंडोथर्मिक और इट मे बी एक्जो तो पहला ऑप्शन इनका क्या है गलत है सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं साउंड में भी प्रोड्यूस तो बिल्कुल सही है साउंड प्रोड्यूस हो सकता है कलर चेंज में टेक प्लेस बिल्कुल सही है अ गैस में भी वॉल्व ए भी बिल्कुल सही है तो इसका ये तीनों ऑप्शन सही थे लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत था ए ऑप्शन लेकिन हमको पूछा क्या गया था क्या इनकरेक्ट है तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं इसमें कहा गया है द चेंजेस दैट यू नोटिस रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन इज अ डैश चेंज कैसा चेंज होता है आपसे पूछा गया है तो देखिए कभी भी आपको कोई मिक की बात दिखाई पड़े देखिए सी यू एस ओ फोर है सी यू एस ओ फोर आपको पता है कॉपर सल्फेट होता है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है आयरन से हो रही है आयरन इज एफ ही जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और एफ ही के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा एफ ई एस ओ फोर बन जाएगा प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा देखिए नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसलिए रिएक्शन कैसी होगी इट विल बी अ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स गुल गलत है कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स यही क्या आंसर सही है बिल्कुल सही है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ केमिकल चेंज बाकी कटिंग ऑफ फ्रूट्स इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इसमें कहा गया कि, कि कलर ऑफ सोलूशन फ्रॉम ब्लू टू ड्रैश इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अब देखिए हमने अभी देखा था जो कॉपर सल्फेट वाली तो रिएक्शन हो रही थी जहाँ पे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से करी थी तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब आयरन से करा था तो हमने क्या देखा था एफ ई एस ओ फोर मतलब आयरन सल्फेट बन रहा था और क्या बन रहा था कॉपर बन रहा था अब आप ये देखिए इस आयरन सल्फेट का जो कलर है वो कैसा था अभी हमने आपको बताया था वो कलर था ग्रीन तो जो ब्लू कलर था ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो किस में चेंज हो जाएगा ग्रीन में चेंज हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा जो चीज़ हमने बताई है वही चीज़ वहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसमें कहा गया वेन डैश इज पासड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की तो क्या चीज़ पास करते हैं अगर हम लोग लाइम वाटर से तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो कार्बन डाईऑक्साइड को पास करते हैं तो हम आपकी हम आपको इसकी रिएक्शन बता देते हैं देखिए लाइम वाटर होता है सी ए ओ एच होल्ड वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड होता है सी ए ओ जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है वाइट ठीक है इसीलिए जो हम लोग को लाइम वाटर होता है, क्या दिखने लग जाता है मिल्की वाइट कलर का दिखने लग जाता है नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एक रिएक्शन भी दी गई है जब मैं आपको बता रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सी ए ओ एच होल्ड देखिए देखिए और ये आपको डायग्राम जो है एन सी आर टी में मिल जाएगा देखिए इसमें किया क्या गया है आप जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें दो चीज़ें यूज़ करी गई हैं एक विनेगर यूज़ किया गया है और बेकिंग सोडा यूज़ किया गया है दोनों जब मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और इस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और किस में चली जाएगी यहाँ पर यूज़ किया गया है लाइम वाटर तो लाइम वाटर रखा हुआ था इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जैसे ही बबल्स इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर प्रिसिप्टेड फॉर्मेशन चालू हो जाएगा और किस कलर का वाइट कलर का ठीक है तो जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो लाइम वाटर हो जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा मिल्की हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और ये रिएक्शन है सी ए एच होल्ड की रिएक्शन हो रही है CO2 टू से तो क्या बन रहा है सी ए सी ओ थ्री मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है लेकिन देखिए होता क्या है अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा दे याद रखिएगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा दें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन कार कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा था वो अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होने लग जाता है और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता या ये कह सकते हैं जो लाइम वाटर था उसकी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी तो ये भी बात आप लोग को याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें कहा गया है द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन मिल्की इज़ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ तो किस चीज का टेस्ट है अगर लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ का टेस्ट है तो अभी हमने बताया था इट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू का टेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म अगर एक से ज़्यादा या एक सब्सटेंस नया कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं दैट चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इसमें कहा गया वी हैव सीन वी हैव सीन दैट वन ऑफ अवर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूसड इन अ केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग कंपनी अ केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज में और क्या हो सकता है न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा ही होगा लेकिन और क्या हो सकता है पूछा गया है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हीट लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवेन आउट और एब्जॉर्ब बिल्कुल सही है अभी हमने बताई भी थी आपको बातें कि हीट और लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एमिट भी हो सकती है तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा बी देख लेते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है दिस इज ट्रू ऑप्शन सेकेंड देख लेते हैं इसमें कहा गया है साउंड में भी प्रोड्यूस बिल्कुल सही है केमिकल चेंज में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है थर्ड में बोला गया है अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ बिल्कुल सही है स्मेल में भी कोई चेंज आ सकता है या हो सकता है एक नई स्मेल प्रोड्यूस हो जाए और डी पार्ट में बोला गया है अ कलर चेंज में टेक प्लेस अ गैस में बी चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं केमिकल चेंज से रिलेटेड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है इसमें कहा गया है बर्निंग ऑफ कोल वुड और लीव्स इज अ डैश चेंज मैंने अभी आपको बताया था कि बर्निंग जब भी आ जाए तो बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन और कभी भी बर्निंग प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है बर्निंग प्रोसेस कैसा होता है तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज एक एग्जाम्पल है किसका केमिकल चेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इसमें कहा गया है अ मैन पेंटेड हिज मेन गेट देखिए एक एक आदमी है एक पर्सन है जो क्या कर रहा है अपना मेन गेट को पेंट कर दिया उसने घर में सबके मेन गेट होता है और उसने क्या कर दिया अपने मेन गेट को पेंट कर दिया अब पूछा गया है जो उसने मेन गेट को पेंट किया वो क्यों किया तो आपको पता है मेन गेट को क्यों पेंट किया जाएगा तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए किया जाएगा तो फॉर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन ये गलत हो जाएगा थर्ड में बोला गया है मेक इट लुक ब्यूटीफुल ये भी गलत ये कह सकते हैं इसको सही है इसक ठीक है तो क्योंकि ब्यूटीफुल लगने के लिए भी कई लोग पेंट करते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है मेक इट डस्ट्री ये गलत है तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अच्छा चलिए एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके घर का मेन गेट जो है वो किस कलर से पेंटेड है ठीक है कलर आपको लिख के बताना है फ्रॉम विच कलर योर मेन गेट ऑफ योर होम और वी कैन से और योर हाउस इज पेंटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें कहा गया है आयरन पिलर आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार आपने देखा होगा कई लोग गए भी होंगे कुतुब मीनार के पास में तो वहाँ पे एक आयरन पिलर बहुत फेमस है ठीक है तो वह क्यों फेमस है उसका ये कारण पूछा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इट इज मोर देन सेवन मीटर्स हाई इट्स वेट इज अबाउट सिक्स थाउजेंड के जी इट वॉज बिल्ड मोर देन सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स एगो और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ठीक है फॉर लॉन्ग स्टेबिलिटी लॉन्ग स्टेबिलिटी ये फेमस के पीछे तो चारों ही कारण है लेकिन पूछा गया इतने दिनों से ये स्टेबल खड़ा क्यों है ठीक है मतलब जो अपना उसमें ना

ऑलवेज accompanied by प्रोडक्शन ऑफ तो अगर बर्निंग होगी तो किस चीज का प्रक्शन होगा ये बताना है तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवेन एज हीट सेकेंड ऑप्शन इज साउंड थर्ड ऑप्शन इज लाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्मोक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हीट तो आपको याद रखना है कि बर्निंग जब भी होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड तो दोनों एग्जाम्पल पूछे गए हैं किसके हैं कौन सा केस है ये तो चाहे एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क हो चाहे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हो दे बोथ आर द केसेज ऑफ केमिकल चेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इसमें कहा गया है ओजोन लेयर इन अवर एटमोसफियर ठीक है आपको पता है ओजोन लेयर इज इन अवर एटमोसफेयर हम लोग के एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल डैश रेडिएशन विच हम सन तो कौन सी रेडिएशन सन से आती है जिसको हमारी ओजोन लेयर क्या करती है प्रोटेक्ट करती है तो सबको पता होगा दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेस क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस अगर हमारे तक आ गई हम पे गिर गई तो वो हमको हार्म पहुंचा सकती है हमको हमारे स्किन कैंसर भी हो सकता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें कहा गया है फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल तो रस्टिंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड की या दोनों ऑक्सीजन और वाटर तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दैट इज बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इसमें कहा गया है इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई देखिए मॉइस्चर का कंटेंट अगर एयर हाई हो गया ठीक है मॉइस्चर अगर एयर में ज्यादा है इसका मतलब मॉइस्चर का मतलब क्या होता है मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर अब वाटर अगर एटमोस्फेयर में ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि रशिंग होगी वो और तेजी से होगी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी मोर फास्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कहा गया है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डैश ऑन आयरन इस गैल्वेनाइजेशन में पूछा गया है कि आयरन के ऊपर किस मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा जिंक एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैलवनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसमें कहा गया द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन डैश देखिए सॉल्ट वाटर होगा अगर वाटर सॉल्ट है और तो वो क्या करेगा रस्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको और क्या कर देगा फास्ट कर देगा ठीक है और ज़्यादा तेजी से रस्ट फॉर्मेशन होने लग जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड लाइक तो देखिए स्टेनलेस स्टील का जो फॉर्मेशन होता है अब स्टील क्या होता है स्टील का मतलब होता है आयरन और कार्बन ठीक है तो ये जो एलॉय होता है स्टील दैट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन अब उसमें देखिए क्या चीज़ जोड़ दी जाएगी जिससे वो स्टेनलेस बन जाता है स्टेन मतलब उसमें जंग नहीं लगती तो इसका आंसर है क्रोमियम निकल और मैंगनीज तीनों ही इसके आंसर सही हैं तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एवफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें कहा गया है लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्मड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ तो क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ट्वेंटी नाइन्थ का आंसर क्या होगा और जो भी इसका आंसर सबसे पहले सबसे सही लिखेगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे और वो सबसे ऊपर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें कहा गया गेल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ रस्टिंग किस चीज की रस्टिंग को प्रिवेंट करता है गेल्वनाइजेशन तो प्रिवेंट करता है आयरन की रस्टिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब इसमें देखिए ट्रू और फॉल्स पूछा गया है पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो पहला कौन स्टेटमेंट में दिया गया है कटिंग अ लॉक ऑफ इन टू पीसेज इज अ केमिकल चेंज तो बिल्कुल गलत है दिस विल बी फॉल्स नेक्स्ट में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज तो ये भी गलत है ये केमिकल चेंज होता है नेक्स्ट में बोला गया है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक नॉट गेट रस्टेड इजिल तो देखिए अगर जिंक से कोटिंग कर दी इसका मतलब ग्लबनाइजेशन कर दिया है तो वो रस्टिंग पे नहीं लगेगी तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट इज आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस ये बिल्कुल गलत है आयरन अलग चीज़ है और रस्ट अलग चीज़ है रस्ट में ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के मिक्सचर्स भी होते हैं मतलब आयरन ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज पार्ट सी पार्ट सी में कहा गया है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज तो कैम ये बिल्कुल सही है ये एक फिजिकल चेंज होता है मैंने भी आपको बताया था जब भी आपको कोई भी स्टेट में चेंज दिखाई पड़े तो वो कैसा चेंज होगा वो एक फिजिकल चेंज होगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर ब्लैंक्स इसमें कहा गया वेन कार्बन डाईऑक्साइड इज पास थ्रू लाइन वाटर द इट टर्नस मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से लाइन वाटर कैसा हो जाता है मिल्की हो जाता है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा आप लोग को ज़रूर पता होगा अक्सर इसको यूज़ किया जाता है केक बनाने के लिए कभी यूज़ करते हैं कभी छोले भटूरे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा या इसको बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं तो इसका इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मुला होता है एन थ्री तो इसके दो नेम होते हैं एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए सोडियम है ये हाइड्रोजन है ये कार्बोनेट है इसको एक और नाम दिया जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है दोनों ही आंसर इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे लेकिन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही केमिकल नेम लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड तो रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो अभी लोग ने एक गैलवनाइजेशन देखा था पेंटिंग होता है पेंटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं प्रिवेंट uh, uh, कर सकते हैं रिमूव नहीं कर सकते प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से हम लोग रस्ट को और साथ ही साथ ग्रीजिंग भी होता है ग्रीस लगा के भी प्रिवेंट किया जा सकता है और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं डी तो ऑप्शन में बोला गया है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस तो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी उसको क्या बोलेंगे फिजिज फिजिकल चेंजेस बोलेंगे नेक्स्ट बोला गया है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ये तो हम कई बार बता चुके तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फिर इन द ब्लैंक सेशन है इसमें देख लेते हैं मेकिंग शुगर सॉल्यूशन इज अ डैश चेंज तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो कैसा चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है क्योंकि जो भी चीज़ फॉर्म होती है उसको अगर वापस हम लाना चाहें अगर वाटर को और शुगर को वापस लाना चाहें तो हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं तो रिवर्सिबल है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा एक फिजिकल चेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिकल चेंज इज जनरली तो 33 का तो जो हमारे पास आंसर है तो फिजिकल चेंज ऐसा होता है तो फिजिकल चेंज जो होता है जनरली रिवर्सिबल होता है ठीक है तो बी ऑप्शन विल बी रिवर्सिबल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी इसमें कहा गया है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रीन चेंजेस साइज अब देखिए साइज चेंज हो रहा है साइज चेंज होना कभी ये नहीं कहता कि वो केमिकल चेंज होगा आप लोग जाते होंगे गेहूं पिसाने आते होंगे तो वो आटे में कन्वर्ट हो जाता है अब आटा भी क्या है एक तरीके से गेहूं का ही तो छोटा सा रूप है उसको ग्राइंड कर दिया गया तो छोटा बन गया ठीक है तो वो कैसा चेंज होएगा इट विल बी अ फिजिकल चेंज ठीक है वो एक फिजिकल चेंज होएगा उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट डी इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है डी पार्ट है आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन गेट क्या हो जाते हैं तो देखिए रस्ट इनको लग जाएगा अगर लॉन ऑन में रखे रहते हैं आयरन के बेंचेस तो उनपे रस्टिंग आ जाती है गेट्स रस्टेड ठीक है इट इज़ अ डैश चेंज तो रस्टिंग ऐसा चेंज है एक केमिकल चेंज है बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है दो क्वेश्चन और देखेंगे थर्टी सिक्स ही क्वेश्चन देखेंगे और हमको तो लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से जो भी आपके होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे पहली मदर मेड अ कंसेंट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिजोल्विंग शुगर इन हॉट वाटर तो देखिए पहली की जो मदर थी उन्होंने शुगर को हॉट वाटर में डिजोल्व किया जब उसको कूल cool किया तो उन्होंने क्या देखा कि शुगर गॉट सेपरेटेड शुगर अलग हो गया वाटर अलग हो गया कूल cool करने पे क्या इंडिकेट कर रहा है ये अब देखिए यहाँ रिवर्सिबल चेंज हो रहा है तो ये ये इंडिकेट कर रहा है कि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स क्योंकि एक फिजिकल चेंज होता है मैंने आपको बताया था कि जब भी शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो एक फिजिकल चेंज होगा और फिजिकल चेंज को क्या कर सकते हैं हम लोग रिवर्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है, है. इसमें कहा गया है सॉल्ट कैन बी ऑप्टेंड बाय इवापोरेशन ऑफ तो सॉल्ट को कैसे ऑप्टेंट कर सकते हैं तो सॉल्ट को ऑपटेन कर सकते हैं अगर इवापोरेशन सॉल्टी वाटर का किया जाए तो होगा क्या जो जोट होगा वो तो इवापोरेट हो जाता है लेकिन सॉल्ट किधर रह जाता है नीचे रह जाता है ठीक है सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता तो आंसर हो जाएगा सी वाटर भी इसका आंसर है ओशन वाटर भी इसका आंसर है बाकी डिस्टिल्ड वाटर भी गलत है रिवर वाटर भी गलत है और पोटेबल वाटर पोटेबल का मतलब होता है विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा इसको जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है तो देखिए कहा गया है मैच द कॉलम तो लार्ज क्रिस्टल्स पूछे गए हैं लार्ज क्रिस्टल्स किसके होते हैं तो लार्ज क्रिस्टल्स में आपको पता है मिश्री आप लोग देखी होगी तो मिश्री हम लोग इसको ऐड कर देंगे इसको हम लोग जोड़ देंगे किससे ए को जोड़ देंगे फोर्स से नेक्स्ट इज डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन अभी हम लोग ने इस बहुत था तो इसको कहते हैं गेलनाइजेशन नेक्स्ट इज सारिंग ऑफ मिल्क तो अगर मिल्क में खट्टापन आ गया सार हो गया मिल्क तो उसको हम लोग कैसा चेंज बोलेंगे दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है आयरन ऑक्साइड क्या है तो आयरन ऑक्साइड एक रस्ट है अभी हमने बताया था आयरन ऑक्साइड का फॉमला अगर आपसे पूछा जाए तो एफ भी आयरन ऑक्साइड का फॉर्मला होता है एफ भी आयरन ऑक्साइड का फॉमला होता है ठीक है दोनों के लेकिन एक फेरिक होता है एक फेरस होता है इस पर भी आपको नहीं जाना ये आप समझ लीजिए कि आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड आयरन ऑक्साइड्स नेक्स्ट इज डिज़ोल्विंग अ कॉमन सॉल्ट इन वाटर तो कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में डिजोल्व किया गया है तो ये कैसा चेंज होगा तो ये हो जाएगा एक फिज़िक चेंज ठीक है तो ये हमारे क्वेश्चन थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखते हैं तो फिर आप लोग ज़रूर इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक किया करिए जिससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए क्रिएट कर सकते हैं तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे अगले लेक्चर पे एक और नए सेशन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी टिल देन थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद